नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभा गर्ग, लुधियाना चिल्ड्रन हॉस्पिटल, डॉक्टर शोभा फर्टिलिटी सेंटर में IVF एक्सपर्ट आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ सटीक जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम क्या है। इनफर्टिलिटी या निसंतानता या बांझपन किसे कहते हैं? ये जैसे कई बार हमारे पास कुछ कपल आते हैं जिनकी शादी को भी 3-4 महीने ही हुए होते हैं और वो आके कहते हैं कि हमें इलाज दीजिए, हमारे बच्चा नहीं हो रहा। तो उनको हम ये समझाते हैं कि कम से कम 12 महीने अगर कोई कपल प्रयास करता है और उसके बाद भी उनके बच्चा नहीं होता, तभी हम उनको इनफर्टिलिटी कंसिडर करते हैं और उनकी तहकीकात शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। और ऐसे कपल्स को हम सिर्फ फर्टाइल पीरियड के बारे में जानकारी दे के घर भेज देते हैं। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? फर्टाइल पीरियड वो समय होता है जिस टाइम पे बच्चा ठहरने की संभावना सबसे अधिक होती है। जिन औरतों के पीरियड्स रेगुलर होते हैं, यानी कि जिनको माहवारी 28 से 30 दिन के अंदर आ जाती है, उनके लिए पीरियड्स के पहले दिन से 11वें से 18वें दिन तक का जो समय होता है वो फर्टाइल पीरियड में आता है, क्योंकि उन दिनों में अंडा रिलीज होता है ट्यूब में। उस समय पर अगर शुक्राणु अंदर जाएंगे तभी बच्चा बनने की संभावना होती है। और इसके अलावा उन लोगों को फॉलिक एसिड की गोली देते हैं ताकि जब बच्चा ठहरे उस टाइम अगर औरत फॉलिक एसिड खा रही हो तो उसके बच्चे में आगे जाकर जमांद्रु नुक्स आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पर अगर कोई कपल हमारे पास आता है जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा प्रयास कर चुका है और फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तब हम ऐसे केसेस में सारी जांच करते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट बिना जांच के नहीं किया जा सकता। पहले हम जांच करके कारण ढूंढना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कपल में ये जो समस्या आ रही है बांझपन की, इसका क्या कारण है। आमतौर पर इस समस्या को औरतों से रिलेट किया जाता है, जबकि ऐसा सच नहीं है। 1/3 केसेस में ये समस्या औरतों के कारण होती है, 1/3 केसेस में पुरुषों के प्रॉब्लम के कारण, और शेष 1/3 में दोनों का कंबाइंड रीज़न भी हो सकता है। जांच में सबसे पहले हम पुरुष की वीर्य की जांच करते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि उनका काउंट कितना है, उनकी मोटिलिटी कैसी है और उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि शुक्राणुओं की स्ट्रक्चर कैसी है। ये 3 पैरामीटर्स मेनली हम सीमेन एनालिसिस में देखते हैं और WHO के लेटेस्ट क्राइटेरियाज़ को हम फॉलो करते हैं, जिसमें 15 मिलियन से पर ML से अधिक काउंट को हम नॉर्मल मानते हैं और एक्टिव मोटिलिटी 32% से ज़्यादा को हम नॉर्मल मानते हैं। औरत की जांच में सबसे इम्पॉर्टेंट जांच हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा जानकारी हमें अल्ट्रासाउंड पे तब मिलती है जब हम ये अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के पहले दिन से 11वें या 12वें दिन पे करते हैं। उस समय अंडा तैयार होता है, अंडे के साथ बच्चेदानी की लाइनिंग तैयार होती है, हमें अंडे के साइज़ का भी पता चलता है, साथ में बच्चेदानी की लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसका भी पता चलता है। कई बार अंडे का साइज़ छोटा होता है, उस समस्या को भी हम देख पाते हैं, और कई बार बच्चेदानी की अंदरूनी लाइनिंग अच्छी नहीं बन रही होती, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अल्ट्रासाउंड पे ट्यूब्स को हम जनरली नहीं देख पाते। ट्यूब्स को हम तभी देख पाते हैं अगर ट्यूब बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं और उसमें पानी भरा हो, अदरवाइज़ हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे ट्यूब्स को नहीं देख सकते। बच्चेदानी के अंदर और भी कुछ समस्याएं जैसे कोई रसौली या कोई अंडेदानियों में कोई गांठ, इस तरह की चीज़ें हों तो वो भी इस समय पे पता चल जाती हैं और उसके हिसाब से फिर हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। मींस एक तरफ हमने शुक्राणुओं की जांच कर ली, एक तरफ हमने औरत का अल्ट्रासाउंड करके उसमें सारा देख लिया और दोनों के ब्लड टेस्ट कर लिए बेसिक जरूरी, जिसमें औरत का थायराइड का टेस्ट, दोनों के वायरल मार्कर, ये सारी जांच हम करते हैं। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि अगर तो कोई समस्या इस दौरान हमें समझ में आ गई फिर तो हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, पर अगर
कई बार ऐसा भी होता है कि अंडा भी सही बन रहा है, लाइनिंग भी सही बन रही है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आ रही है, सारे ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं, फिर हम ऐसे केसेस में आगे ट्यूब्स टेस्ट के लिए जाते हैं। ट्यूब्स टेस्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हर केस में हम इंडिविजुलाइज करते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। कई बार हम बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। इसमें हम अल्ट्रासाउंड पे ट्यूब्स के अंदर सलाइन डालकर, बच्चेदानी के अंदर सलाइन डालकर देखते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड में वो ट्यूब से बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर वो ट्यूब से बाहर आ रहा है सलाइन, तो हम जान जाते हैं कि ट्यूब्स खुली हैं। और इस प्रोसीजर से ना सिर्फ हमें ट्यूब्स का पता चलता है, बल्कि इससे बच्चा ठहरने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार ट्यूब्स में छोटी मोटी रुकावट हो तो वो इस जाँच से ही इस दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम लंबे समय से है, जैसे मान लो 3-4 साल हो गए, कोई कारण नहीं मिल रहा और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फिर हम लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम दूरबीन डालकर पेट के अंदर जांच करते हैं कि बच्चेदानी के आसपास ट्यूब्स कैसी हैं, बच्चेदानी के आसपास का मांस कैसा है, ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। और इसमें हम साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि यूट्रस के अंदर वाली सतह कैसी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके बाद ये सारी जांच करने के बाद फिर हम, अगर हमें कोई कारण मिलता जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता जाता है, और कई बार हमें कोई भी कारण नहीं मिलता तो हम ऐसे केसेस को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी लेबल कर देते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहाँ पे सब कुछ ठीक है, सारी इनिशियल जांचें ठीक हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ऐसे केसेस में हम कपल को IUI करवाने की सलाह देते हैं। अगर IUI भी कामयाब ना हो 3 अटेम्प्ट्स में, तब हम IVF ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। IUI ट्रीटमेंट एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम पहले औरत को इस तरह से दवाई देते हैं कि उसके 2-3 अंडे बने। नॉर्मल आम तौर पे औरतों में 1 महीने में 1 अंडा बनता है। हम दवाई देते हैं या इंजेक्शन देते हैं जिससे उनके 2-3 अंडे तैयार हों, और उसके बाद जब वो अंडे ट्यूब में आते हैं, उस टाइम पर हस्बैंड के सेमेन की वॉशिंग करके, प्रोसेसिंग करके, उसमें से मोटाइल स्पर्म्स निकाल कर वो हम यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि बच्चा ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। और ये चीज़ को हम 2-3-4 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इतनी बार में उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, तब हम IVF की सलाह देते हैं। IVF एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए अपनी डॉक्टर शोभा गर्ग को अनुमति दीजिए। नमस्कार।